नमस्कार, मैं हूँ कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर का बना हुआ शुद्ध देशी घी, वो भी मलाई से। घी के साथ साथ इस मलाई से खोया भी बनाएंगे और पनीर भी बनाएंगे, वो भी बहुत आसान ट्रिक से। कईयों बार घी बनाना बहुत झंझट का काम लगता है, लेकिन आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको इसमें बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसानी से इसे आप बना सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम मलाई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मलाई हमारी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी 5 से 6 दिन की मलाई है। आप मलाई को चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मलाई थोड़ी थोड़ी निकलती है तो उसे आप फ्रीज़र में रखें, जिससे मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मलाई को हमेशा फ्रिज में ढक कर रखें। फर्स्ट डे जब मलाई को आप बर्तन में निकालें तो उसी दिन उसमें 1 चम्मच दही डाल देंगे, और उसके बाद हम हर दिन मलाई उसी के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और उसी में हमारी मलाई जमती जाएगी। मलाई में दही डालकर जमा देने से घी भी ज़्यादा निकलता है और मलाई में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती है, मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। अब इस मलाई को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। मलाई मैंने ये फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए इसे आधे घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। अगर आपने मलाई फ्रीज़र में रखी हो तो उसे 5 से 6 घंटे पहले निकालें, जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। अब थोड़ी देर मलाई को इस तरीके से फेंट लेंगे। मलाई को फ्रिज से निकालने के आधे घंटे बाद ही ये प्रोसेस करें, हाथ के साथ नहीं करें। उससे क्या होता है, मक्खन निकलने में टाइम लगता है। मैं इसे ब्लेंडर से निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसे विस्कर से लगातार फेंट के भी निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ब्लेंडर से ये प्रोसीजर हमारा जल्दी हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते जाएंगे, पानी को ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैंने ये 1 गिलास ठंडा पानी लिया है। थोड़े से इसमें हम आइस क्यूब भी डाल देंगे। अभी हम गर्मी के सीज़न में मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें हमने ठंडा पानी और बर्फ़ यूज़ किया है। अगर आप इसे सर्दियों में निकालेंगे तो इसमें आप ठंडे पानी की जगह पे गर्म पानी यूज़ करेंगे, उससे हमारा मक्खन बहुत जल्दी निकलेगा। देखिए, अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और मलाई से मक्खन और पानी अलग हो गए हैं। आप इस प्रोसेसर को मिक्सर ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब इसमें से हम ये ब्लेंडर को निकाल देंगे। सारा मक्खन जो इसमें लगा हुआ है इसे निकाल लेंगे और इसे स्पैचुला से इस तरीके से दबाएंगे, जिससे इसमें से जो पानी होगा मक्खन में से वो भी निकल जाएगा। साइड में करके एक तरफ निकालते जाएंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेसर को हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करने से मक्खन एक तरफ इकट्ठा होता जाएगा और साइड में पानी एक तरफ हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इसको करने में। देखिए, आप ये मक्खन हमारा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। अब इस पानी को हम उसी मलाई वाले बर्तन में निकाल लेंगे और इस मक्खन को बीच में करेंगे और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और डालेंगे। यहाँ पर 1 गिलास पानी पूरा यूज़ में आ गया है। आधा हमने पहले डाला था और आधा अब डाला है। इसमें से स्पैचुला को निकाल देंगे। अब इसे हम हाथ से करेंगे। हमें पानी से मक्खन को अच्छे से वॉश करना है। इसे इकट्ठा करते हुए इसका एक गोला बना लेंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेशर देते जाएंगे, जिससे इसमें से पानी पूरी तरह से निकल जाए। देखिए, अब मक्खन हमारा निकल गया है, पानी इससे पूरा अलग हो गया है। अब जिस भी बर्तन में हमें घी निकालना है उस बर्तन में हमें मक्खन को निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए पानी को पहले वाले पानी में मिला देंगे। अब इस पानी से हम पनीर कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम मक्खन से घी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे लो। शुरू में हमें लो फ्लेम रखना है। मक्खन को धीरे धीरे पिघलने देंगे, बीच बीच में चलाएंगे। साइड में जो ये मक्खन लग जाता है इसको भी निकाल कर बीच में मिलाते जाएंगे। हाई फ्लेम पर बनाने से बर्तन नीचे से जल जाता है, इसलिए फ्लेम का ध्यान रखें मक्खन को पिघलाते समय। देखिए, मक्खन पिघलने लगा है और घी इससे अलग होने लगा है। मक्खन से घी निकालने में बहुत कम समय लगता है। अगर हम डायरेक्ट मलाई को पकाते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इस प्रोसेसर से बनाने में समय भी कम लगता है और कुछ भी वेस्ट भी नहीं होता है। अब देखिए, आप घी अलग हो गया है मक्खन से और यहाँ पे सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट का समय लगा है। यहाँ पर घी को अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि घी को हमें स्टोर करना होता है। अगर ये कम पकेगा तो ये ख़राब हो सकता है, और इसको अच्छे से पका के रखेंगे तो ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसे ठंडा होने के बाद ही हम छानेंगे। घी थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसलिए मैं इसे कांच के बर्तन में निकाल रही हूँ। बाउल के ऊपर स्टेनर रखकर इसे छान लेंगे। चलनी मैंने ये डबल स्टेनर वाली यूज़ की है। अगर आप घी को गरम गरम छान रहे हैं तो इसे कांच के बर्तन में नहीं छानेंगे बल्कि इसे स्टील के बर्तन या जार में निकालेंगे, क्योंकि कांच का बर्तन घी ज़्यादा गर्म होने की वजह से चटक सकता है। अब इसे दबाते हुए इसमें से सारा घी निकाल देंगे और इस खोए को हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। घी और खोए के बाद अभी जो मक्खन का पानी बचा है इससे हम पनीर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये वही वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे जिसमें अभी घी निकाला था, उसमें इस सारे पानी को डाल देंगे और फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर हम मीडियम टू हाई। इसे बॉईल होने देंगे। इसमें उबाल आ गया है, यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और उसी बाउल में जिसमें अभी हमने मक्खन निकाला था उसी में डालेंगे आधा कप या आधी कटोरी दही। दही यहाँ पर हम फ्रेश ही यूज़ करेंगे। अब इस दही को थोड़ा सा फैट लेंगे और इसमें डाल देंगे जो हम बॉईल कर रहे हैं मक्खन का पानी, उसको इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच और इसे यहाँ पर चलाते हुए देखिए इस तरह मिक्स करेंगे। इससे यहाँ पर ये फट गया है और इससे पानी अलग हो गया है और पनीर अलग हुआ है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे इसमें डालेंगे। अब थोड़ा सा और डालेंगे, इधर से चलाएंगे, फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखेंगे। एक संग डालने से दूध अच्छे से नहीं फटता है। इस तरीके से हम 4-5 बार में डालते हैं तो ये दूध से पनीर अच्छे से फटता है। देखिए अब इसमें अब पानी बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। ये पनीर भी बहुत सॉफ्ट निकलता है और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। देखिए आप पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अलग हुआ है और पनीर भी थक्के में अच्छा फटा है। बर्तन भी देखिए आप बिल्कुल साफ़ हो गया है, सारी चिकनाई इसमें आ गई है। अब यहाँ पर इसमें एक उबाल आने देंगे, उबाल आ गया है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। छानने के लिए हम दोबारा से उसी बाउल को यूज़ कर लेंगे और चलनी भी वही ले लेंगे जिसमें अभी अपने घी छाना था, इसी में हम पनीर को छान लेंगे, जिसकी वजह से चलनी की सारी चिकनाई भी निकल जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे पनीर में जो दही का खट्टापन आ गया है वो निकल जाएगा। थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और इसके पानी को निकाल देंगे। देखिए इसका सारा पानी निकल गया है, पनीर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इस पनीर को एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये इसमें करीबन 200 ग्राम पनीर निकला है। अब इस पनीर से आप सब्जी बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं या इसके पनीर के पराठे भी बना सकते हैं या फिर इसे आप किसी भी स्नैक्स बनाने में भी यूज़ में ले सकते हैं। अब ये लास्ट में जो अब पानी बचा है पनीर का, ये हमें किसी भी काम में नहीं लेना है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे हम हटा देंगे। लीजिए मलाई से हमारी सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। घी हमारा तैयार हुआ है करीबन 500 ग्राम, शुद्ध देसी घी हमारा निकला है घर में ये, पनीर निकल गया है 200 ग्राम और ये करीबन 50 से 60 ग्राम निकला है खोया। इस खोए को आप सब्जी की ग्रेवी बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी मिठाई बनाने में भी इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। आप सभी को मेरी आज की मलाई से घी बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।